यूट्यूब के चैनल में सभी व्यक्तियों का स्वागत करते हैं जो भी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं शिक्षा जगत संबंधित किसी भी खबर को पाने के लिए। दोस्तों आप एक बार जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को एक्टिव कर लीजिए। तो गाइस सबसे पहले हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जिस प्रकार से काउंसलिंग की प्रक्रिया तो पूर्ण कर दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी खबर ये आ रही है कि अब काउंसलिंग की प्रक्रिया जो है वो रद्द की जा रही है। तो ऐसे में अभ्यर्थियों का हंगामा भी सामने देखने को मिला है और एक लेटर भी जारी किया गया है शिक्षा विभाग के द्वारा, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इस लेटर में साफ तौर पर लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना पूर्णिया, जिला शिक्षा पदाधिकारी पूर्णिया, ठीक है। और देख सकते हैं गाइस, जी लेटर जारी किया गया काउंसलिंग के दौरान अनियमितताओं के सापेक्ष त्रिस्तरीय जाँच समिति द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में है। उपयुक्त विषय भवदीय आदेशांक दे सकते हैं, लिखा हुआ है दिनांक 27/9/21 द्वारा शिक्षक नियोजन में पूर्व समर्पित प्रतिवेदन प्राप्त परिवादों पत्रों के सापेक्ष बिंदुवार सम्यक जांच की गई। त्रिस्तरीय जांच प्रतिवेदन अनुशंसा सहित भवदीय सेवा में आवश्यक कार्यार्थ समर्पित की जा रही है। दे सकते हैं गाइस यहाँ पर लिखा गया है, और ये देख सकते हैं यहाँ पे पूरा का पूरा अपडेट दे दिया गया है। आप देख सकते हैं गाइस यहाँ पे पूरा का पूरा बता दिया गया है कि कहाँ कहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो जांच के दौरान अनियमितता पाई गई है और काउंसलिंग को रद्द किया गया है। काउंसलिंग को रद्द करने के कारण जो है आप देख सकते हैं डगरुआ हो गया, गणेशपुर हो गया। काउंसलिंग को रद्द करने के कारण अभ्यर्थियों का हंगामा भी सामने भर क्या है DO कार्यालय में, तो वो आप देख सकते हैं गाइस यहाँ पे स्पष्ट लिखा है काझा हो गया और कई सारे नियोजन इकाइयाँ हैं, सहरा हो गया, काझा हो गया, और देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है झुन्नी हो गया, रहुआ हो गया, और इस तरीके से ये तमाम नियोजन इकाई हैं जहाँ पे ये काउंसलिंग संबंधित गतिविधि को रद्द किया गया है। देख सकते हैं गाइस पूरा का पूरा अपडेट देख लीजिए, पारसमणि हो गया आपका, ये तमाम वो जगह हैं जहाँ पे काउंसलिंग को रद्द किया गया। माली हो गया, बरदेला हो गया, और जिसके लिखता है गोरियर पट्टी हो गया, श्रीमत्ता हो गया, तो ये तमाम ऐसे जगह हैं जहाँ पे काउंसलिंग की प्रक्रिया को रद्द किया गया है। आगे देखिए लिखा है कि तीसरे चरण में 26 पंचायत 3 प्रखंड नियोजन इकाई की जिले में चयन प्रक्रिया, 21 इकाई के अभ्यर्थियों को नहीं मिलेगा काउंसलिंग में मौका। और देखिए ऐसा भी लिखा गया कि 21 इकाई के ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिन्हें काउंसलिंग में मौका नहीं दिया जाएगा। तो देख सकते हैं गाइस तीसरे चरण में लापरवाही का मामला सामने उभर के आया है। 17 से 28 जनवरी तक होगी काउंसलिंग प्रक्रिया, ये भी कहा जा रहा है। ऐसी स्थिति में बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक नियोजन नियमावली 2012 की प्रखंड नियोजन समिति के द्वारा जो है 17 से 12 जनवरी तक जो है वो काउंसलिंग की प्रक्रिया कराई जाएगी। तो देख सकते हैं गाइस यहाँ पे स्पष्ट तौर से जो लिख दिया गया है पूरी प्रक्रिया के बारे में बता दिया गया है कि ये 18 से देख सकते हैं गाइस यहाँ पे काउंसलिंग प्रक्रिया नहीं होगी। प्रेसर जी एस चे पदाधिकारी भोजपुर आरा से खबर आई कि सेवा में नगर आयुक्त सचिव नगर शिक्षक का नियोजन इकाई आरा देख सकते हैं लिखा है यहाँ पे शिक्षक नियोजन वर्ष 2019-20 में प्रारंभिक विद्यालय में शिक्षक पद वर्ग 1 से 5 पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम योग्यता के संबंध में कि क्या कुछ न्यूनतम योग्यता होगी 1 से 5 में। तो गाइज लेटर ऐसे जारी हो रहे हैं, काउंसलिंग की प्रक्रिया कई स्थानों पर रद्द की गई है, जबकि नियुक्ति पत्र दिया जाना चाहिए था उस समय शिक्षा मंत्री के आदेश से काउंसलिंग की प्रक्रिया को और तमाम प्रक्रियाएं जो कि हो चुकी हैं पूर्ण रद्द किया जा रहा है। ऐसे में अभ्यर्थियों को बड़ा आहत होता है। उपयुक्त विषय विभागीय सूचना संख्या देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि आलोक में अंकित करना है कि वर्ग 1 से 5 में बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक नियमावली 2012 के नियम 5(1) जिसमें कक्षा 1 से 5 तक के नियोजन हेतु न्यूनतम योग्यता प्रावधानित है, स्नातक तथा प्राथमिक शिक्षक में 2 वर्षीय डिप्लोमा चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो अथवा 50% अंकों के साथ स्नातक तथा शिक्षक स्नातक BEd में समाहित किया गया हो। तो देख सकते हैं गाइस एक अपडेट सामने उभर के आ रही है कि लिख दिया गया है कि शिक्षक नियोजन वर्ष 2019-20 में प्रारंभिक विद्यालय में शिक्षक के पद 1 से 5 पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम योग्यता क्या होनी चाहिए उसके संबंध में लेटर जो है वो जारी किया गया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है प्राथमिक शिक्षा निदेशक की ओर से, और जैसे सभी ज्ञात है ये प्राथमिक शिक्षा निदेशक भी जो है वो बदल दिए गए हैं, ठीक है।
तो बहुत सारे यहाँ पे वीडियो का पास करके पढ़ लीजिए, कुछ अधिसूचना लिखी गई है कि 50% अंकों के साथ स्नातक शिक्षा स्नातक बीएड होना चाहिए, क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या क्या अर्हता होनी चाहिए, तमाम लिहाजें लिखी गई हैं। उपरोक्त अधिसूचना में पैरा 3 उप पैरा के स्थान पर निम्नलिखित उप पैरा होगा, जिसमें NCT द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा स्नातक की उपाधि प्राप्त की गई है उस पर कक्षा 1 से 5 तक देखिए लिखा वहाँ पे पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्ति हेतु विचार किया जाएगा, किंतु इस प्रकार अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के 2 वर्ष के बाद, देख सकते हैं 2 वर्ष के बाद उन्हें एक ब्रिज कोर्स होता है NCT द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में से 6 महीने हिस्से का सेतु पाठ्यक्रम ब्रिज कोर्स आवश्यक रूप से करना अनिवार्य होगा। तो ये तमाम आवश्यक शर्तें जो है वो शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए होगी, शिक्षक बन जाएंगे। तो इन अर्हताओं को गाइस आप जरूर पढ़ लीजिए और एक बार विस्तार से जरूर समझ लीजिएगा इनको क्या कुछ इसमें लिखा है। सबसे बड़ी है देखिए, तीसरे चरण में लापरवाही हुई है और कहां कहां पे लापरवाही हुई है ये भी बता दी गई है। आपकी 100 से अधिक रिक्ति अभ्यर्थी, 5000 से अधिक तीसरे चरण में लापरवाही का मामला सामने आया है। कांटी साहेबगंज हो गया आपका, साहेबगंज ने कुछ पंचायत की कुछ रिक्ति पर मिलान नहीं किया है। पहले आए आवेदन के आधार पर इन निकायों में हुई प्रक्रिया, 9 पंचायत नियोजन इकाई में अब तक नहीं दी गई मेधा सूची, ठीक है। तो देख सकते हैं गाइस यहाँ पे लिखा है कि 21 तक पाबंदी, 27 से कैसे होगी काउंसलिंग प्रक्रिया, लिखा है 100 से अधिक रिक्ति अभ्यर्थी, 5000 से अधिक। तो गाइस बड़ी अपडेट आ रही है कि 21 नियोजन इकाइयाँ ऐसी है जहाँ के अभ्यर्थियों के नियोजन की प्रक्रिया को रद्द किया गया है। और देखिए यहाँ पे लिख भी दिया गया है काउंसलिंग को लेकर, 21 इकाई के अभ्यर्थियों को नहीं मिलेगा काउंसलिंग में मौका, ये भी कहा गया है क्योंकि काउंसलिंग में भारी अनियमितता भारी गड़बड़ी पाई गई है। वो वीडियो को पॉज करके आप पढ़ लीजिए कहाँ कहाँ पे ऐसा हुआ है। सर्टिफिकेट मिला नहीं करने पर होगी कार्रवाई। अब कई जगह देखिए कहा गया है कि सर्टिफिकेट का होना है सत्यापन, जिस जो भी सर्टिफिकेट का मिलान नहीं हो रहा है उसको लेकर कार्रवाई की प्रक्रिया तेज की जाएगी। जांच टीम जो है वो तैयार है और DPO स्थापना जमालुद्दीन ने शुक्रवार को इन सभी से जवाब मांगा है और इन्हें 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है। छठे चरण शिक्षक नियोजन के पहले और द्वितीय चरण के चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए अलग अलग जांच कमेटी बनाई जाएगी। तो देख सकते हैं गाइज एक आवश्यक सूचना भी जारी की गई है विभाग के द्वारा, अररिया से आ रही है, उसको भी देख लेते हैं हम क्या कुछ लिखा हुआ है इसमें। नगर परिषद अररिया माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक छठा चरण नियोजन हेतु बंधित मेधा सूची NIC की वेबसाइट पर कार्यरत पत्रांक लिखा है, दिनांक 9/10/2021 के आलोक में पूर्व प्रकाशित है। विशेष सचिव सह निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग बिहार पटना के ज्ञापन संख्या लिखी गई है कि आलोक में अवबंधित मेधा सूची पर अभ्यर्थी निर्धारित तिथि 11/1/2022 से 25/1/2022 तक अपनी आपत्ति दर्ज करा लें। तो बड़ी अपडेट है, परिपरिक खबर के लिए जुड़े रहिए। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।